दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आनी है निफ्टी बैंक के लिए। पूरा हफ्ता निफ्टी बैंक के लिए रहेगा और निफ्टी बैंक को ही देखेगा, जो चलाने वाले बैंक हैं उनके रिजल्ट कल आपको देखने को मिलेंगे, जिनका वेटेज मैं आपको दिखाऊंगा और जिनके मैं एक्सपेक्टेशन बताऊंगा और आपको क्या चेक करना है, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बैंक के रिजल्ट आने के बाद अच्छा हुआ कि खराब हुआ, निफ्टी बैंक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट आए थे तो 3% गिरा था वो। HDFC बैंक इसलिए नहीं गिरा क्योंकि आपको पता है वहाँ पे उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया था साथ में फंड रेज करने का, तो इसलिए उसमें एज सच कोई बड़ा फॉल देखने को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अभी तक जो भी बैंक हैं उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट हैं वो कम होके आ रहे हैं, यानी कि सबके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो जंप है वो देखेगा डिप होके आ रहा है, जिस कारण से मार्केट एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट आ रहे हैं और स्टॉक गिर रहे हैं। क्योंकि देखिएगा HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों के रिजल्ट एक टाइम पर आए थे, इसलिए मार्केट में उतना ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला था। लेकिन कल आएंगे एक बड़े बैंक के रिजल्ट और ये इंडिविजुअली देखेगा लीड करेगा स्टॉक मार्केट को, निफ्टी बैंक को। तो इनका वेटेज पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका वेटेज आप देख लीजिए 9% का है निफ्टी बैंक में। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 9% कितना मायने रखता है। 3-4% का मोमेंटम आता है इनके रिजल्ट के बाद कम से कम। बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ भी करते हैं, हमेशा स्टॉक मैक्सिमम टाइम ऊपर ही जाता है जब इनके रिजल्ट आते हैं। अब सरप्राइजिंग कुछ भी होगा तो जो भी वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट ने दिए हैं आपको पता है वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट एडजस्ट करना भी जानता है। अब आप देखेंगे छोटा बैंक नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आप चेक आउट कर सकते हैं, स्टॉक का देखिएगा हाई लो भी चेक आउट कर सकते हैं, पैसा डबल कर दिया एक तरीके से। फिर स्टॉक का पी देखिएगा फेवरेबल है, बुक वैल्यू भी बहुत अच्छी है, ROC ROE भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। इसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे कंटिन्यू हो रही है, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे इंटरेस्ट इनकम भी ग्रो हो रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ आपको रिजल्ट आने के बाद क्या देखनी है, गूगल पे सर्च करके कि इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या कम नंबर आ रहे हैं, यानी कि नंबर अगर 7630 से कम आए, यानी कि नेट प्रॉफिट के नंबर अगर इस पर्टिकुलर फिगर से कम आए तो इसका मतलब रिजल्ट अच्छे नहीं आए। चूंकि सब कुछ स्टॉक जो भागता है या गिरता है वो केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होता है, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चूंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 90% प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, सिचुएशन इंप्रूव ही देखने को मिलती है, चूंकि वो 4 quarters का देखेगा कंपाइल डेटा होता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, आपको केवल चेक करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में देखना है कि नेट प्रॉफिट इससे कम नहीं होने चाहिए, और इससे अगर ज़्यादा कम होते हैं, इस पर्टिकुलर फिगर के आसपास आते हैं तो बहुत ही चीज़ शॉकिंग हो जाएगी। इससे बढ़कर आते हैं 8,000 crore के आसपास आते हैं तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा और स्टॉक मार्केट और निफ्टी बैंक दोनों भागेंगे। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट की डेट आपके सामने है 24 जुलाई जो के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं आपको देखना क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे Q1 अर्निंग के कई सारे रिजल्ट आने हैं, लेकिन मैं एक एक करके बात करूँगा, डे वाइज बात करेंगे ताकि आपको क्लैरिफिकेशन है कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। तो अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये हर बार अच्छा कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन अब बात आती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या इससे ज़्यादा प्रॉफिट आएंगे, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होगी। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर ग्रोथ करते हैं तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होगा, स्टॉक मार्केट वैल्यू देगा और स्टॉक भी ऊपर जाएगा, निफ्टी बैंक भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर इससे कम आते हैं तो देन आफ्टर दैट स्टॉक मार्केट भी नीचे जाएगा, निफ्टी बैंक भी नीचे जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, वेटेज आपको देख लेना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट अच्छे आए या खराब आए, तो आपको रिजल्ट आने के बाद भले स्टॉक मार्केट खुला हो ना खुला हो, आपको गूगल सर्च करना है, यहाँ पे चेक करना है एक्सिस बैंक GDR। कल जैसे आप GDR देखोगे तो आपको रिजल्ट आने के बाद GDR को चेक करना है। अगर ये 3% प्लस में है तो इसका मतलब निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा, और अगर ये 3% माइनस में है तो इसका मतलब नीचे जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको पहले बता देगी कि अगला मूव आपका कल स्टॉक मार्केट में या फिर फर्दर आपको जो ट्रेडिंग आप करने जा रहे हो, ये जो वीक बचा हुआ है उसमें कैसा ट्रेड करना है, कॉल साइड करना है, पुट साइड करना है। तो फोकस करिएगा। राम राम।